और चलते चलते हम पहुंचे हैं, ये है जवाहर कैंप मॉडल टाउन का एरिया। तो ये सबसे पुराना बाजार है लुधियाना में, चोड़ा जवाहर के बाद इसी का नाम आता था। तो देखिए हम जहाँ चलते चलते हैं तो दिवाली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार थोड़ा सा फीका हो गया क्योंकि तो सुबह से बरसात हो रही थी, अभी बरसात का मौसम बना हुआ है। कल के बाद परसों को दिवाली है, एक दिन बीच में है, लेकिन जो त्यौहार का जो परचेज करना लोगों ने जितना भी सामान है तो जहाँ पर परचेज करने के लिए लोग आए हुए हैं। तो देखिए जहाँ पर अभी बरसात का मौसम और ऊपर से ये मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के दिए और उसके बाद ये डेकोरेशन का सामान, इस समय देखिए बूंदाबांदी अभी शुरू हो रही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ तक ये बाजार लगा हुआ है। अब की बार जितने भी जो लोग हैं छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जितने भी खिलौनों का या ये डेकोरेशन का, वो देखिए ये सबको दिखाइए जो लगा रहे हैं, ये इन लोगों ने भी साल भर जो इंतज़ार करते हैं कि हमारा बाजार में सामान लगेगा बिकेगा, लेकिन बहुत इस समय बरसात के कारण बहुत मुश्किल हो रही है इन लोगों को, क्योंकि जब बरसात होती है तो सामान संभालना मुश्किल हो जाता है और एक ही दिन रह गया बीच में, अगर ना माल बिका तो इनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोई 10,000 रुपये कोई 5,000 रुपये उधार लेकर ये सब कारोबार करते हैं, लेकिन अगर ये कारोबारों के बारे इनका फीका रह गया तो ये सब इस समय जितने भी लोग हैं मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो परमात्मा का है, जो सिस्टम है प्रभु का, शायद बरसात बंद हो जाए तो इनका सारा घाटा पूरा हो जाए। कल का दिन अभी बीच में है, तो ऐसे कर तू आगे चल।